क्लास सीखेंगे हम कैश मोमो बनाना। कैश मोमो का मतलब बिल बुक। जैसे मान लीजिए अगर आप एमएस ऑफिस वर्ड में बिल बुक तैयार करना चाहते हैं तो आज की क्लास सीखेंगे किस तरीके से हम एमएस ऑफिस वर्ड में बिल बुक को तैयार करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें क्या करना है कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जो आगे आने वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेगा और अपने दोस्तों में शेयर करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से क्या करना है। पहला काम हमारा होगा कि वर्ड में आपको जब ऑफिस ओपन कर लेंगे आप, ठीक है, ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में। अब पेज लेआउट पे जाने के बाद आप जाएंगे पेज सेटअप, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे सेटिंग करना है पेज, ठीक है, मतलब पेज की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो हमें इसका जो विड्थ होगा ना आप कर लीजिएगा 6, ठीक है, और ये कर लीजिएगा 8, ठीक है, लंबाई गुड़े चौड़ाई 6x8 का हम पेज बनाएंगे। इसको कर लेंगे हम ओके, पेज का आ जाएगा। उसके बाद इसका मार्जिन कर लीजिएगा आप नैरो। मार्जिन सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, पहला काम करेंगे हम क्या करेंगे, आएंगे होम इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हम ले लेंगे यहाँ पे एक टेबल आप लेंगे, ठीक है। और यहाँ टेबल ले लीजिएगा। जब टेबल लेने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो भी लिखना है, मान लीजिए पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइटर का नाम लिखेंगे, मतलब जो मालिक है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे प्रो, ठीक। उसके बाद ले लीजिएगा मिस्टर राज कुमार, ठीक है। हम आज बनाएंगे इसमें कंप्यूटर से संबंधित एक बिल बुक, ठीक है। कंप्यूटर मान लीजिए कंप्यूटर का दुकान है, उसका हम बिल बुक बनाएंगे, ठीक है। तो इसके प्रोप्राइटर मतलब मालिक कौन है, राजकुमार है, ठीक। यहाँ पे हम लास्ट में मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं, लीजिएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक। मोबाइल नंबर का क्या है भाई, ऐड कर देंगे हम मोबाइल नंबर, हम किनका है 730 या इस तरीके से प्लस बना लीजिएगा 91 प्लस, उसके बाद 730993753758, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे स्पेस दबा के इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर इंटर मारिएगा आप। यहाँ पे अभी हम सेट करेंगे फॉन्ट साइज, दो बार तीन बार इंटर मारने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज करना है, तो स्टाइल चेंज कर लीजिएगा जिस फॉर्मेट में आप चाहते हो, ठीक है। अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, नहीं से मॉडल्स में ले लीजिएगा, ठीक। देखिएगा इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शॉप का नाम देना है। तो शॉप का नाम देने के लिए इंसर्ट टैब पे जाइएगा। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आप जाइएगा वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में एक कोई भी स्टाइल ले लीजिएगा, नॉर्मल तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पे ये। और यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट में जाने के बाद मुझे शॉर्ट नेम देना है यहाँ पे आर के कंप्यूटर्स शॉप, ठीक। उसके बाद से बोल्ड करना तो आप बोल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा छोटा बड़ा करना है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको डाइट, और साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। सेव दबा के आप छोटा कर लीजिएगा, इसे प्लस दबा के ये देखिएगा, जहाँ भी आपको सेट करना है उसको सेट कर लीजिएगा, और ऊपर करना तो और ऊपर कर लीजिएगा। इसका जो देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक नेम और मोबाइल नंबर से मतलब इधर उधर डिफेंस हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट रैपिंग में, और यहाँ ले लीजिएगा बिहाइंड टेक्स्ट। जो बिहाइंड टेक्स्ट ले लेंगे तो उसके बाद आपका मैटर जहाँ चाहें वहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक। इतना हो गया हमारा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एड्रेस देना है, तो एड्रेस देने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका साइडो थोड़ा सेटलमेंट करना है, किस तरीके से साइडो सेट करना है। तो यहाँ आएंगे साइडो में, और यहाँ पे साइडो जो भी जैसे चाहिए वैसे ले लीजिएगा, थोड़ा सा इसको खसका लीजिएगा, ठीक। इसको सेलेक्ट करेंगे पहले आप। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई, या कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप होम टैब से जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब इस पर क्लिक करेंगे देखिए सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको साइडों को सही करना है तो उसको आप यहाँ से आप थोड़ा सा टप ले लीजिएगा थोड़ा सा, ये देखिएगा, ठीक। जैसे भी एडजस्ट करना चाहे उस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना होने का मुझे एड्रेस लिखना है यहाँ पे, तो आप इंसर्ट टैब पे जाइएगा, और इंसर्ट टैब में मिल जाएगा टेस्ट बॉक्स, ले लीजिएगा आप, ठीक है।
टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। ठीक, यहाँ पे मुझे एड्रेस देना है तो एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस देने के लिए फिर मुझे होम टैब पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करना होगा और एड्रेस हमने दे दिया यहाँ पे नियर थाना रोड धनघटा संत कबीर नगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इतना करने के बाद आप इस तरीके से हो गया हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करें तो ठीक है, नहीं तो बोल्ड करिएगा। और इसका मॉडल जो होगा, आप मान लीजिए ये वाला मॉडल इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पॉइंट पे क्लिक करिएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। साइज थोड़ा सा बड़ा करना, आप साइज बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको जहाँ भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर लो। ठीक, इस तरीके से मुझे यहाँ पे चाहिए, सेट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बैक चला गया और ये हमारा जो एड्रेस वो फ्रंट हो गया, तो उसके लिए फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और यहाँ कर देंगे हम नो फील। ठीक है, नो फील, आउटलाइन, नो आउटलाइन, इस तरीके से हम यहाँ सेट कर देंगे। देखेंगे, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर एक सिंबल लगाना है। कहाँ पे, यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर सिंबल लगाने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद एक सेप्स लेंगे आप, और सेप्स को जब ड्रैग करेगा ना तो कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के ट्रैक करेगा इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम यहाँ पे। और इसमें फील करना है फॉर्मेट कंप्यूटर का इमेज, तो हमें कंप्यूटर का इमेज हमारे पास होना चाहिए, तो हम कंप्यूटर का इमेज ले लेते हैं। हमारे कंप्यूटर में है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं कंप्यूटर चार्ट। मुझे बैक जाना होगा, हमने कंप्यूटर चार्ट कहीं और रखा है, यहाँ से ले लेते हैं। कंप्यूटर हमारे पास कहाँ है, कंप्यूटर का इमेज बैक कंप्यूटर चार्ट, और यहाँ पे मान लीजिए हमने कंप्यूटर का अगर इमेज रखा है तो हमें मिल जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, हमने ले लिया ये वाला, ये देखिए ऑटोमेटिक इमेज यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, कंप्यूटर का इमेज तो लग गया, अब हमें इसका आउटलाइन हटाना है, तो यहाँ कर दीजिएगा सेप्स आउटलाइन नो। देखिए आउटलाइन हट गया, इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फुल इमेज आए तो फुल इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मुझे आरके का लोगो लगाना है, तो फिर मुझे क्या करना होगा, इस सेप्स को कॉपी करना होगा, कंट्रोल और एल दबा के ड्रैग करके यहाँ रख लीजिएगा, सेम साइज बन के आ जाएगा। ठीक है, किया दबाना आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और एल्ट, उसके बाद माउस का बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे आरके का सिंबल लगाना है, तो फिर आरके का सिंबल लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेप्स फील में और यहाँ आना होगा पिक्चर्स में। पिक्चर में आने के बाद अब हमें आरके का सिंबल हमने कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे आरके को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर लेंगे, देखिएगा यहाँ पे आरके आ गया, लेकिन आरके कट के आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम उसको मंगा लेते हैं डायरेक्ट पिक्चर्स से। ठीक, पिक्चर हमारे यहाँ पे ही देखिएगा आ गया, आ गया। इसकी साइज छोटा करना है, छोटा कर लीजिएगा, और इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिए आप, यहाँ से कर लीजिए बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जहाँ चाहेंगे तहाँ सेट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, इसकी साइज और छोटा करना कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसका चेंजिंग यहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ रखना तो यहाँ रख लीजिए, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। इतना तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मुझे चाहिए एक रो चाहिए, मुझे रो लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ मिल जाएगा, देख लीजिएगा दे रखा है इंसर्ट, यहाँ क्लिक करेंगे मुझे और मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है नेम। ठीक है, तो ले दिया हमने नेम, नेम, ठीक, इसे नेम ऐड कर दीजिएगा, एंटर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप एड्रेस, एड्रेस ऐड कर दीजिएगा, फिर एंटर। ठीक, इस तरीके से मेरा हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस तो मेरा हो गया, अब यहाँ पे मुझे डेट चाहिए। ठीक है, तो ले लीजिएगा डेट। डेट के लिए आप इस तरीके से डेटा यहाँ से हटाइए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डॉट लगा के जाइएगा
उसके बाद स्लैश फिर डॉट फिर स्लैश फिर डॉट, इस तरीके से ठीक है कर लीजिएगा। इतना करने के बाद मुझे क्या करना होगा, एक कॉलम मुझे एक रो मुझे और चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, फिर यहाँ आएंगे और जाएंगे, फिर एक ब्लॉक ले लेंगे, एक मुझे और मिल गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जितना भी आपको पेज की साइज़ में विड्थ बढ़ाना है इसको बढ़ा लेंगे आप, क्योंकि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे डिटेल्स ऐड करना है, कोई बात नहीं इस तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पे। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, एक रो मुझे और चाहिए इसके बाद, ठीक है तो एक रो मैं और ले लूँगा यहाँ से, और अब हमें यहाँ पे लाइनिंग देना है, ठीक है लाइनिंग देने के लिए करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना होगा लेआउट डिज़ाइन में, डिज़ाइन में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा ड्रॉ टेबल में, और ड्रॉ टेबल के बाद अब हमें यहाँ करना होगा, यहाँ पे करना है क्लिक यहाँ पे, ठीक क्लिक कर दीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर मुझे चाहिए पार्टी के लिए, पार्टी में जो मुझे पार्टी को सामान देना है उसका सामान क्या लिखना है मुझे वहाँ पे ऐड कर देंगे, जिसको बोलते हैं विवरण, ठीक है जिसमें हम पार्टिकुलर्स का डिटेल्स टाइप करेंगे। उसके बाद हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए, हमने क्वांटिटी ले लिया, क्वांटिटी के बाद हमारा रेट होना चाहिए, रेट हमने ऐड कर लिया, और रेट के बाद हमारा हो गया आपका मूलधन, जो मतलब टोटल अमाउंट हमारा होगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कर दिया एचआर नंबर, ठीक इस तरीके से टाइप में गया, यहाँ टाइप करना मुझे पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर टाइप कर लेते हैं यहाँ पे पार्टी कूलर, ठीक है पार्टिकुलर के बाद नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी Q T Y कर दीजिएगा Q T Y, ठीक है नेक्स्ट पे जाएंगे लिखेंगे रेट रेट, उसके बाद हमारा हो जाएगा टोटल AM, ठीक। अब यहाँ पे अगर इसको चाहते हैं थोड़ा सा कैप्स लॉक कैप्स कैपिटल सेंटेंस केस में चाहते हैं या फिर लोअर केस अपर केस में, जिस फॉर्मेट में चाहिएगा आप होम टैब से जाइएगा और इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा वीडियो हमारा लॉस तो हो रहा है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से समझ में अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिएगा हमारा यहाँ पे सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे मुझे नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद मुझे डिटेल्स में क्या फीड हो गया, अब हमें आना है यहाँ पे नीचे, और एक रो मुझे और चाहिए, एक रोड और लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डिज़ाइन में सॉरी लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ मिलेगा इंसर्ट ब्लू, यहाँ करेंगे क्लिक, तो एक रो मुझे और चाहिए, तो भाई एक रो मुझे और चाहिए, तो एक रो आ गया आपका नेक्स्ट पेज पे, कोई बात नहीं मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ करूँगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ, या फिर देखे इस तरीके से आ गया, थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा और पतला हो जाएगा, मुझे पतला चाहिए, या इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा आप, ठीक है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको मर्ज करना है, तो मर्ज करने इसको सेलेक्ट करिएगा आप पूरे का पूरा ऐसे मर्ज कर लीजिए, सेलेक्ट करिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे आप लेआउट में, लेआउट में मिल जाएगा आपको, यहाँ देख लीजिएगा सेल मर्ज सेल दे रखा, मर्ज सेल पे कर देंगे क्लिक, तो देखिएगा पूरा का पूरा ये मर्ज हो गया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक मुझे टोटल देना है, टोटल देने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिज़ाइन में, या डिज़ाइन में मिल जाएगा आपको ड्रॉ टेबल, और यहाँ कर दीजिएगा इसको ऐसे ही लाइनिंग देना आपको, ठीक आ गया। यहाँ मुझे टोटल लिखना है तो मैं टोटल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, बस इतना करना है, इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मान लीजिए जो भी वैल्यू हमारा होगा, अगर उसको आप वर्ड में चाहते हैं तो आप वर्ड में कर सकते हैं, पूरा वर्ड में करने के लिए करना होगा हमें वर्ड में टाइप करना है, तो यहाँ टाइप करना मुझे रहेगा RS, ठीक RS टाइप करने के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इन वर्ड WORD, ब्रैकेट बंद करिएगा, इसको डॉट डॉट में ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक इस तरीके से डॉट डॉट में ऐड हो गया। थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो स्पेस लेने के लिए तो सेंटर मार दीजिएगा आप, ऐसे जगह हो जाएगा आपके पास। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये तो हमारा टोटल डिटेल्स हो गया, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, कुछ अपने नोट्स वोट्स लिखना है, जैसे नियम कुछ शर्तें होते हैं वो चीज़ें मुझे अगर यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट बॉक्स लेना है, ठीक है एक टेस्ट बॉक्स ले लीजिएगा, इस टेस्ट बॉक्स को यहाँ टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे। अब नियम शर्त अगर आप यहाँ लिखना है यहाँ लिख लो, या मुझे अगर आप यहाँ चाहते हो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है तो मान लीजिए मैं यहीं चाहता हूँ नीचे लिखने के लिए,
तो आप नीचे लिख दीजिए, अपने पे डिपेंड करता है, जहाँ जैसे आप सेट आउट करना चाहते हैं वैसे आप सेट कर लो जो बेहतर हो बट आपको। तो मैंने मैटर टाइप करके रखा है, बस यहाँ से मुझे उससे उठा लेना है। सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे, आ जाएंगे अपने ऑफिस पे और यहाँ कर देंगे हम पेस्ट। टाइप हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना पड़ेगा फॉन्ट में, और फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और भी चीज़ और भी हैं, इनको भी कर लेते हैं भाई फॉन्ट में। तो या तो फिर आप यहाँ से जाओ और फॉन्ट पॉइंटर पर डबल क्लिक मारो, इसको कन्वर्ट कर दो, देख लीजिए। ठीक, और भी इसमें मैटर्स लिखे हुए हैं, शो नहीं कर रहा है, ये देखिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम बेसी करना है, तो अब उसके लिए करना पड़ेगा होम टैब से जाएंगे और चल जाएंगे यहाँ पे स्पेस इनलाइन कर देंगे हम। जब देखिएगा एक लाइन में आपका ऐड होके आ गया। यहाँ पे आउटलाइन मुझे अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा टैब दबा लीजिएगा तभी सेट हो जाएगा, या फिर स्पेस दबा के इसको सेट कर लीजिए, देखने में बेहतर हो। ठीक, ये हो गया, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आउटलाइन नहीं चाहिए तो होम टैब फॉर्मेट पे जाएंगे और कर दीजिएगा सेव आउटलाइन, ये देख लीजिएगा आउटलाइन हट गया। ठीक, यहाँ पे मेरे दुकान के जो भी नोट्स नियम शर्तें हैं, जैसे बेचे गए सामान की वारंटी गारंटी जो भी है, सामान के संबंधित जो भी कंपनियाँ होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, ना कि विक्रेता के। बेचे गए सामान को वापस नहीं किया जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइनेचर का मुझे ऐड करना है जगह, मतलब हमें अपने शॉप का मोहर जहाँ साइनेचर करेंगे उसका एड्रेस हम ऐड करेंगे। तो यहाँ आएंगे इंसर्ट टैब से, इंसर्ट टैब से जाने के बाद इंसर्ट में आपको मिलेगा टेस्ट बॉक्स, यहाँ मिल जाएगा ड्रॉ ट्रैक्स बॉक्स, फिर से ड्रॉ करिएगा। ड्रॉ करने के बाद यहाँ आप टाइप कर लीजिएगा सिग्नेचर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका सिग्नेचर सिग्नेचर। ठीक, इसके आउटलाइन को आप ऐड करना चाह हटाना चाहते हो तो आप लीजिएगा नो फील और नो सेव्स आउटलाइन फील। ठीक, इसको जहाँ भी सेट करना है ऐसे आप ऐड कर लीजिएगा, यह आपका सिग्नेचर हो जाएगा। अब बता रही यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए कलर देना चाहते हैं तो कोई भी एक सेलेक्ट करके आप बैकग्राउंड इसका कलर दे सकते हैं, डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से जो भी आप हल्का हल्का कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, कलर हो गया। यहाँ पे आर के कंप्यूटर का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा होम टैब में, क्योंकि यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आर के नहीं सेलेक्ट हो रहा, उसके लिए होम टैब से जाएंगे और जाएंगे सेलेक्ट में, सेलेक्ट हो जाएगा आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। कलर देना मुझे रेड, तो फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ ले लेंगे सेल्स फील कलर, देख लीजिए थोड़ा सा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा हो गया बिल कंप्लीट, देख लीजिएगा बिल कंप्लीट हो गया, यहाँ साइन हो जाएगा आपका। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पे नया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सीख लिए आपके मित्र नहीं सीखे हैं, तो कृपया उनको भी सिखाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।